नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर स्मृति के ऊपर पुष्प व माल्यार्पण कर जयंती मनाई। बताया जा रहा है कि गोविंद नगर क्षेत्र के वार्ड 2 में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नगर सचिव अमन कुमार भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोविंद नगर पुल के पास क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर भीमराव अंबेडकर की स्मृति पर पुष्प चढ़ाए। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर अध्यक्ष इमरान सम्राट विकास यादव ने माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। वहीं कहा कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत समाज को एक डोर में बांधने के लिए संकल्पित है। इस मौके पर सदाब आलम, संतोष यादव, गगनदीप सिंह, अरविंद यादव, मुकेश गुप्ता, राहुल जीतू आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम रखा गया है आज, कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष जीतू तिवारी जी के नेतृत्व। लगभग आज कितने आप कितने लोग शामिल हुए हैं आज इस कार्यक्रम में, कितने लोग मुख्य अतिथि के रूप में? बस यहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो लोग शामिल हैं और जो वार्ड अध्यक्ष में पदाधिकारी नए मनोनीत हो रहे हैं वो लोग शामिल हैं। कोरोना गाइडलाइन को लेकर किस तरह से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है? कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पर लोग सामाजिक दूरी बनाकर बैठे हैं। जिनके पास मास्क नहीं हुआ गमछा लेकर आए, गमछे से अपना बचाव कर रहे हैं कोरोना से। We'll be right back.